दोस्तों टाइटैनिक जहाज अपने समय में बड़ा जहाज था। दोस्तों टाइटैनिक जहाज के बारे में ऐसा दावा किया जा रहा था कि ये कभी न डूबने वाला जहाज है। हालांकि ये किसी ने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा जहाज कभी पानी में भी डूब सकता है। तो टाइटैनिक जहाज की खास बातें तो यह थी कि ये सबसे तेज चलने वाला जहाज था। टाइटैनिक जहाज को बनाने का जिम्मा व्हाइट स्टार कंपनी ने लिया था। दोस्तों उस समय टाइटैनिक शिप को बनाने के लिए 48 करोड़ रुपए खर्चा आ चुका था, क्योंकि उस समय के हिसाब से ज्यादा था। टाइटैनिक को 2000 से भी ज्यादा के वर्कर की टीम ने बनाकर तैयार किया था। दोस्तों टाइटैनिक जहाज इतना विशाल था कि टाइटैनिक को बनाते हुए कुछ वर्कर की मौत भी हो गई थी। दोस्तों टाइटैनिक जहाज में जो चिमनियां लगी थी उनमें से 3 काम करती थी और चौथी चिमनी सजावट के लिए लगाई गई थी। तो टाइटैनिक की ऊंचाई 104 फीट थी और 882 फुट लंबा था। टाइटैनिक जहाज इतना विशाल जहाज था जो कभी ना डूबने वाला जहाज था। उस समय का सबसे बड़ा जहाज आखिर कैसे डूब सकता है? तो ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण टाइटैनिक जहाज डूबा, तो जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है माहिर। तो स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल माहिर कुरैशी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो कभी ना डूबने वाला टाइटैनिक शिप उस रात आखिर कैसे दुर्घटना का शिकार हो गया। इस जहाज को बनाने का काम 31 मार्च 1900 को शुरू हो चुका था। दोस्तों टाइटैनिक को बनाने में कम से कम पूरे 3 साल लग गए थे और 31 मई 1911 को बनकर तैयार हो चुका था। ये जहाज साउथ एप्टिन से यात्री लेकर अमेरिका के लिए रवाना हुआ था। ये 10 अप्रैल 1912 का समय था जब टाइटैनिक 2200 यात्रियों को लेकर रवाना हुआ था। इस जहाज में 1300 यात्री और बाकी जहाज के क्रू मेंबर मौजूद थे। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज ने अपना पहला सफर इंग्लैंड यूरोप के लिए शुरू किया। उस समय जहाज में कई तरह के लोग मौजूद थे और सभी लोग अच्छी जिंदगी जीने के लिए अमेरिका जा रहे थे, पर उन यात्री को ये तक नहीं पता कि ये जहाज कभी अमेरिका पहुंच ही नहीं पाएगा। तो इसमें एक दिन में करीब 825 टन कोयले का इस्तेमाल होता था और वो 100 टन राख हर रोज निकलता था। दोस्तों टाइटैनिक जहाज में हर रोज 14,000 गैलन पीने का पानी जहाज पर इस्तेमाल होता था। दोस्तों जहाज के अंदर 40,000 अंडे रोज खर्च होते थे और 1500 गैलन दूध लग जाता था। 20,000 बीच और 1,500 वाइन बोतल ऑन बोर्ड थी। दोस्तों अन्य चीजों के अलावा 8-9 सिगार भी इस्तेमाल होते थे। दोस्तों टाइटैनिक जहाज के अंदर ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास रूम्स मौजूद थे। दोस्तों टाइटैनिक जहाज में यात्रा करने का टिकट 2.7 लाख रुपए का था और सेकंड क्लास का टिकट 1 लाख रुपए और थर्ड क्लास का टिकट 2,000 का था। तो सभी यात्रियों ने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से रूम को सिलेक्ट किया था। दोस्तों हालांकि टाइटैनिक का सफर 4 दिन तक बिल्कुल अच्छा हो गया और टाइटैनिक जहाज में बैठे यात्री भी खुश थे, क्योंकि वे सभी फैसिलिटी टाइटैनिक जहाज में मिल रही थी जो कि उन्हें चाहिए थी। टाइटैनिक जहाज अटलांटिक महासागर की ओर जा रहा था। 14 अप्रैल 1912 को रविवार की रात में समुद्र में शांति थी और आसमान में चांद भी मौजूद नहीं था। अधिक अंधेरा होने की वजह से कैप्टन के सामने की तरफ कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। इसमें रहस्यमय बात तो यह है कि टाइटैनिक जहाज में एक भी दूरबीन मौजूद नहीं थी जिससे कि टाइटैनिक जहाज के सामने आने वाली चीजों को देखा जा सके। हालांकि कैप्टन की नजर बिल्कुल सामने थी तो टाइटैनिक के उस चट्टान से टकराने से पहले कुल 6 चेतावनियां मिल चुकी थी कि वो कभी भी सामने हिमकंड से टकरा सकता है, लेकिन कैप्टन ने सिग्नल को ज्यादा ध्यान में नहीं लिया और टाइटैनिक जहाज को तेजी से आगे बढ़ाने लगा। उस समय रात का समय था, घना अंधेरा होने की वजह से कैप्टन को सामने हिमकंड पर्वत दिखाई नहीं पड़ा। दोस्तों लेकिन रात के करीब 11:40 पर खतरे की घंटी बजी और फोन पर कैप्टन को बताया गया कि जहाज के रास्ते में एक बहुत बड़ा बर्फ का पत्थर खड़ा है, लेकिन जब तक ये जानकारी मिली थी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वक्त किसी भी समय बर्फ से टकराने वाला था। दोस्तों जब तक कैप्टन को ये पता चला तब तक जहाज उस पर्वत से टकराने के लिए 35 सेकंड ही मौजूद थे। तेज गति के कारण जहाज को सही समय पर मोड़ा नहीं जा सका। टाइटैनिक जहाज को रोकना बिल्कुल नामुमकिन हो चुका था। दोस्तों बुरी खबर सुनने के बाद ही 40 सेकंड के अंदर ही जहाज बर्फ से टकरा गया और देखते ही देखते जहाज में सभी तरफ छेद होने शुरू हो गए। जहाज में छेद हो जाने की वजह से धीरे धीरे करके पानी जहाज के अंदर आने लगा
और जहाज के आगे के हिस्से में जो कमरे थे वो पूरी तरह से डूब चुके थे और उस समय उसमें पानी भी भर चुका था। दोस्तों, जहाज में बैठे कुछ लोगों को उस टाइम तक तो ये भी नहीं पता चला कि टाइटैनिक जहाज इंजन से टकरा चुका है और उसमें धीरे धीरे करके पानी भरने लगा है। वो पानी धीरे धीरे करके उन कमरों में घुसने लगा, तब लोगों को पता चला कि टाइटैनिक जहाज डूबने वाला है। दोस्तों, देखते ही देखते टाइटैनिक जहाज में अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। दोस्तों, हैरानी की बात तो ये थी कि टाइटैनिक जहाज में लाइफ बोट कम रखी थी, क्योंकि टाइटैनिक जहाज कभी ना डूबने वाला जहाज माना गया था। तो वैसे तो यात्रियों की सुरक्षा के लिए हर एक जहाज में 40 लाइफ बोट का होना जरूरी था, लेकिन टाइटैनिक जहाज में बेस्ट लाइफ बोट मौजूद थी और उसके साथ हर एक लाइफ बोट में 60 सीटें भी मौजूद थी। दोस्तों, 16 लाइफ बोट का इस्तेमाल करते करते करीब 80 मिनट लग गए थे। दोस्तों, लाइफ बोट में तकरीबन 28 लोग ही बैठे थे, क्योंकि बाकी लोगों को पता नहीं था कि जहाज भी डूब सकता है। दोस्तों, लाइव बोट से भी ज्यादा लोगों को बचाया जा सकता था, लेकिन लोगों की मची अफरा तफरी से ज्यादातर लोग लाइव बोट में कूदना चाहते थे, जिसके कारण लाइव बोट की रस्सियों को काट दिया गया। इसके कारण 27 लोगों को ही लाइव बोट में भेज दिया गया। दोस्तों, लाइव बोट में सबसे पहले महिला और बच्चों को ही उतारा गया, ताकि महिलाओं और बच्चों की जान सबसे पहले बचाई जा सके, और इसी के कारण टाइटैनिक जहाज में सबसे ज्यादा डूबने वालों की संख्या पुरुषों की थी। तो टाइटैनिक पर म्यूजिक बजाने वाले भी मौजूद थे। टाइटैनिक के डूबने तक लगातार म्यूजिक बजाते रहे, ताकि डूबते हुए टाइटैनिक जहाज में जो लोग मौजूद थे उन्हें हौसला मिल सके। परंतु दुखद की बात तो ये है कि म्यूजिक बजाने वाले सभी लोगों को बचाया नहीं जा सका और टाइटैनिक के साथ उनकी भी मौत हो गई। दोस्तों, देखते ही देखते टाइटैनिक जहाज बिल्कुल पानी में डूबने लगा और टाइटैनिक जहाज के दो हिस्से हो गए। आगे वाला हिस्सा पानी के अंदर डूबने लगा और पीछे का हिस्सा पानी के तल से ऊपर उठने लगा। दोस्तों, देखते ही देखते टाइटैनिक जहाज के दो हिस्से हो गए और 15 अप्रैल ठीक रात 2:20 पर 3 घंटे के अंदर टाइटैनिक जहाज अटलांटिक महासागर में डूब गया। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज का डूबने का कारण उसकी तेज गति भी थी। टाइटैनिक जहाज के इस हादसे में कुल 1500 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, वैसे तो सारे यात्रियों को लाइफ जैकेट दी गई थी, लेकिन अटलांटिक महासागर का पानी इतना ज्यादा ठंडा था कि पानी में डूबते ही लोगों की कुछ ही मिनटों में मौत हो गई। दोस्तों, वैसे तो बहुत से लोगों की जान बचाई जा सकती थी, परंतु कैप्टन की लापरवाही की वजह से बहुत कम लोगों की जान बचाई जा सकी और 1500 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।